मूवी बैश में आज आप देखेंगे टॉप 10 लेटेस्ट हिंदी डब्ड हॉलीवुड की मूवीज जो आपको प्रॉपर जॉन विक मूवी की फील देंगी। वही इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स और एक्शन तो भाई बेहतरीन। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालते रहते हैं, वहां पे भी जरूर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10, क्रिमिनल ग्रुप का एक ऐसा मेंबर जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है और माफिया से पंगा लेने वालों को ठिकाने लगाता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसका बॉस नाबालिग लड़कियों का सेक्स रैकेट चला रहा है तो अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी तैसी कर डालने की प्लानिंग करता है। इससे पहले कि मॉब उसे हंट डाउन करें, उसे अपने और अपनी फैमिली के लिए सही रास्ता तलाशना है। मूवी का नाम है द इन्फोर्सर, जो कि आई थी 2022 में। तो दोस्तों, 1 घंटा 31 मिनट की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। जॉन विक स्टाइल ऑफ मूवीज की तरह इसमें भी बढ़िया बैकड्रॉप के साथ शानदार एक्शन विजुअल्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, प्लॉट बढ़िया और लीड की एक्टिंग अप्रिशिएट करने वाली है। हॉट स्टीमी और लव मेकिंग के सीन्स भी जरूर हैं। वायलेंस का लेवल काफी हाई है, तो इसे आप फैमिली के साथ देखना अवॉइड कर सकते हो। IMDb रेटिंग है 5.3 और ये अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। नंबर 9, एक यंग वुमेन की कहानी है जो कि बाउंसर है। उसको एक न्यूरो कंडीशन की बीमारी है दोस्तों। वो अपने इस गुस्से को रोकने के लिए खुद को शॉक देती है एक वेस्ट पहनकर। उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है और सिचुएशन पहले की तरह नहीं रह पाती जब उसके लवर का मर्डर हो जाता है एंड वो उसके डेथ का रिवेंज लेने निकल पड़ती है। मूवी का नाम है जॉल्ट, जो कि आई थी 2021 में। ये भी 1.5 घंटे की एक्शन क्राइम और कॉमेडी से भरी हुई कहानी है। जॉन विक की मूवी के जैसे इसमें भी सस्पेंस और ट्विस्ट हर दूसरे मिनट में आपको दिखेगा। मेन कैरेक्टर ने अच्छा काम किया है। हल्के रोमांटिक सीन्स है दोस्तों इसमें। वॉयलेंस से कंफर्टेबल हो तो फैमिली के साथ देख सकते हो। IMDb रेटिंग है 5.6, अवेलेबल है प्राइम वीडियो प्रीमियम पर। नंबर 8, ये एक प्रॉपर स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है दोस्तों, जिसमें एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एक डेंजरस मिशन पे है। उसे काम दिया है एक ग्लोबल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, जहां उसे एक मिस्टीरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है हर हाल में। साथ ही अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट के लॉस का भी सामना उसे करना है। वो कोशिश करती है कि कैसे भी करके वो अपने मिशन को पूरा कर सके, लेकिन चैलेंजेस और हर्डल्स की कोई कमी नहीं। मूवी का नाम है हार्ट ऑफ स्टोन, जो कि आई थी 2023 में। तो दोस्तों, 2 घंटा 2 मिनट की मूवी है, जिसमें फुल ऑन एक्शन के साथ क्राइम का मिक्स मिलेगा। थ्रिल का लेवल भी ठीक ठाक है। मूवी का पहला आधा घंटा तो भाई साहब बहुत फाड़ू। बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट भी दिखेंगे इस मूवी में। जॉन विक स्टाइल मूवी के जैसे इसमें भी सस्पेंस और थ्रिल मोमेंट्स कई सारे हैं। रोमांटिक और लव मेकिंग सीन्स कहीं कहीं पर हैं। वॉयलेंस से कंफर्टेबल हो तो फैमिली के साथ देख सकते हो। IMDb रेटिंग है 5.7 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 7, एक यंग हिट वुमेन टीम अप करती है अपने अलग हो चुकी मदर से और अपने कुछ फॉर्मर कलीग से, ताकि वो सब मिलकर एक यंग गर्ल को बचा सके अपने राइवल असैसिन से। उसने कुछ पास्ट में फर्म के लिए ऐसे काम किए जिसके लिए अब वो रिग्रेट करती है, लेकिन फर्म को धोखा देना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं, क्या वो बचा पाती अपनी जान और खासकर बच्चे की जान? जानने के लिए देखिए ये मूवी, जिसका नाम है गन पाउडर मिल्क शेक, जो कि 2021 में। 1 घंटा 54 मिनट की फुल ऑन एक्शन मूवी है, जिसमें क्राइम और थ्रिल के ऐड होने से सीन्स एंगेजिंग हो जाते हैं। जॉन विक मूवी के जैसे इसमें बढ़िया एक्शन स्टंट्स के साथ एंटरटेनमेंट का भी तड़का मिलेगा आपको। मूवी का फैंटास्टिक टोन, जिसमें बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक वो कायम रहता है। ब्लड और एक्शन वॉयलेंस ज्यादा है तो दोस्तों, इसे आप फैमिली के साथ देखना अवॉइड कर सकते हो। IMDb रेटिंग है 6.1, अवेलेबल इन लायंसगेट प्ले पर। नंबर 6, कहानी है एक सस्पेंडेड बॉडीगार्ड के बारे में, जो एक बार फिर टीम अप करता है हिटमैन के साथ। इस बार हिटमैन की वाइफ भी उनके साथ है और इस बार इन तीनों के सामने एक लाइफ थ्रेटनिंग मिशन है, जिसे ऑपरेट कर रहा है एक मैडमैन। उनको अपनी लाइफ को स्टेक पे लगाकर इस मैडमैन का सामना करना है, जिसका टारगेट पूरा यूरोप है इस बार। मूवी का नाम है हिटमैन वाइफ्स बॉडीगार्ड, जो कि 2021 में। तो दोस्तों, 1 घंटा 58 मिनट की एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसमें फाड़ू एक्शन सीन्स के साथ है क्राइम का मिक्स भी। 2007 में आई मूवी द हिटमैन्स बॉडीगार्ड का सीक्वल है ये। इसमें एक्शन हीरो रियान रेनॉल्ड्स के साथ दिखेंगे सैमुअल एल जैक्सन। एक्शन के साथ हल्की कॉमेडी के ऐड होने से स्टोरी बिल्डअप बहुत इंटरटेनिंग बन जाती है, जो आपको जॉन विक मूवीज की याद दिलाएगी। वॉयलेंस ज्यादा है तो इसे आप फैमिली के साथ देखना अवॉइड कर सकते हो। IMDb रेटिंग 6.1, अवेलेबल है ये लायंसगेट प्ले पर। नंबर 5,
एक असासिन को बहुत ही हाई प्रोफाइल केस मिलता है। इस मिशन के लिए वो बहुत प्रेप करती है, लेकिन कुछ लोग उसे ही पॉइजन करके बेहोश कर डालते हैं। जब उसे होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में उसे सच्चाई का पता लगाना है और हर हाल में उसके दिमाग में बस एक ही बात है, अब अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना। उसका साथ देती है उसके पास्ट विक्टिम की एक टीनेज डॉटर, विका नाम है केट, जो की आई थी 2021 में। 1 घंटा 46 मिनट की फाड़ू एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि स्टोरी, थीम और यहाँ तक कि कलर और कैमरा एंगल से भी जॉन विक मूवी की वाइब देती है। मतलब कि अगर जॉन विक का कैरेक्टर एक फीमेल प्ले करे तो शायद ऐसी मूवी बने। जापानीज पॉप सॉन्ग्स के भी अच्छे मोमेंट्स आपको इसमें दिखेंगे। एक्शन के साथ वायलेंस ज्यादा है तो इसे आप फैमिली के साथ देखना अवॉइड कर सकते हो। IMDb रेटिंग 6.2, अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4, रिटायर्ड US मरीन और DIA ऑफिसर जिसने अपनी पूरी लाइफ गवर्नमेंट को सर्व किया है एज असैसिन बनके, वो अपने पास में किए कुछ इंसिडेंट्स का सामना करता है। उसने कुछ अच्छे न्यू फ्रेंड्स भी बनाए हैं जिन्होंने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब उसे ये पता लगता है कि उसके ये फ्रेंड्स लोकल क्राइम बॉसेस के कंट्रोल में हैं। अब हर हाल में वो इन्हें इन डेंजरस माफिया से बचाना चाहता है। कुछ भी गलत हुआ तो ये मिशन डेडली साबित हो सकता है। मूवी का नाम है द इक्वलाइजर 3, जो कि आई थी 2023 में। तो फ्रेंड्स, 1 घंटा 49 मिनट की ये मूवी है। ये इक्वलाइजर ट्रायलॉजी का फाइनल इंस्टॉलमेंट है और इक्वलाइजर 2 का सीक्वल। इसमें भी थ्रू आउट एक्शन और क्राइम के जबरदस्त सीन्स हैं दोस्तों। थ्रिलर आपको हमेशा जब सीट पर रखेंगे। डेंजल वॉशिंगटन ने हमेशा की तरह इसमें भी फाड़ू एक्शन सीक्वेंस दिए हैं जो ब्रेथ टेकिंग है और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप जॉन विक मूवी नहीं देख रहे। IMDb रेटिंग है 6.8 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3, स्किल्ड कमांडो मरते मरते बचता, मौत को छू के टक से वापस भी आ जाता है और जल्द वो एक चैलेंजिंग नेक्स्ट मिशन पे काम करना शुरू भी करता है। उसे क्राइम सिंडिकेट लीडर की फैमिली को रेस्क्यू करना है जो एक प्रिजन कॉम्प्लेक्स में कैद है। जिस गैंगस्टर लीडर ने ये काम दिया है वो बहुत रूथलेस और डेंजरस है। उसको बस अपनी फैमिली चाहिए वरना ये कमांडो तो गया। मूवी का नाम एक्सट्रैक्शन 2, जो कि आई थी 2023 में। तो दोस्तों, 2 घंटा 3 मिनट की ये बहुत ही जबरदस्त मूवी है। फाड़ू एक्शन और आउटस्टैंडिंग थ्रिलर इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। अपनी फर्स्ट मूवी का ये सीक्वल है। जॉन विक मूवी की तरह इसका एक्शन लेवल भी बढ़िया है। एड्रेनलिन रश वाली फीलिंग आती है आपको दोस्तों। इंटेंस एक्शन सीक्वेंस को मिस आउट बिल्कुल नहीं करना। फैमिली के साथ देखना है, अवॉइड कर सकते हो आप इसे। IMDb रेटिंग है 7 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2, ये कहानी एक कोल्ड एंड मिस्टीरियस आदमी के बारे में जो $1 million LA में आसानी से मूव करा सकता है। उसके कोवर्कर्स उसके काम को देखकर शॉक रह जाते हैं। कोई उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता कि वो कौन है और कहां से आया है और कैसे वो सब ये काम आसानी से कर सकता है। वो धीरे धीरे इस बिजनेस में छा जाता है, लेकिन उसका मकसद रियलिटी में है रिवेंज लेना। किससे और क्यों, जाने के लिए देखिए ये मूवी जिसका नाम है रैथ ऑफ मैन, जो की आई थी 2021 में। 1 घंटा 59 मिनट की बहुत ही शानदार मूवी है जिसमें आपको दिखेगा बेहतरीन एक्शन और उसके साथ काफी सारा क्राइम। एक्शन सुपरस्टार जेसन स्टैथम लीड में है तो आप समझ जाओ कि सीन्स कितने परफेक्ट होंगे। मूवी का ओवरऑल लुक और फाइट सीक्वेंस जॉन विक मूवी की ही तरह है दोस्तों। फैमिली के साथ देखना अवॉइड कर सकते हो इसे आप। IMDb रेटिंग है 7.1 और ये अवेलेबल है लायंसगेट प्ले पर। नंबर 1, एक आदमी जो घर पर अपनी फैमिली के साथ बहुत नॉर्मल सी लाइफ जीता है। उसकी फैमिली को उससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ करता नहीं। एक रात उसके घर 2 चोर आते हैं और वायलेंस ना बढ़ने के कारण वो चोरों को चोरी करने देता है और वापस जाने देता है। उसकी फैमिली उसे और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। ये इंसिडेंट उसके अंदर एक लीथल और ब्रूटल पाथ को ओपन करती है और फिर वो हर किसी को चुन चुन कर ढूंढ के मारता है और साबित करता है कि वो सिर्फ नोबडी नहीं है। मूवी का नाम है नोबडी, जो कि आई थी 2021 में। तो दोस्तों, 1 घंटा 32 मिनट की फाड़ू जबरदस्त एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसको जस्टिफाई किया लीड की एक्टिंग और बेहतरीन विजुअल्स ने। इसका हर सीन जॉन विक मूवी की वाइब देता है दोस्तों। थ्रिल एंड सस्पेंस मूवमेंट से कहानी का लेवल बढ़ा रहता है। स्टोरी रन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और कैमरा यूज सब कुछ परफेक्ट। फैमिली के साथ देखना अवॉइड करिए इसे। IMDb रेटिंग है 7.4, अवेलेबल है प्राइम वीडियो प्रीमियम पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहोगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैच को सब्सक्राइब जरूर करें।